हेलो गाइस, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई हो ठीक होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम बढ़िया वाले। और आज तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है। 3 दिन से बिल्कुल आंधी आ रही है, पर आज का मौसम बहुत सही है। मतलब बारिश हो गई है, बूंद बूंद सी थोड़ी सी, और ये मिट्टी भी जम गई है, और अच्छी हवा चल रही है। बिल्कुल ठंडा मौसम है, बिल्कुल गर्मी नहीं है आज। और हम नहा धो लिए, अभी खाना बनाएंगे। अभी रोटी नहीं बनाई है, सब्जी तो मैंने बना ली है। और मैं प्रिंस लग रही बाहर के प्लॉट में खेलने के लिए। और मैं अभी नहाई धोई हूँ, अभी सारा काम कर लिया है। काम पैसे तो वैसे फ्री हो गई हूँ लगभग। रोटी रोटी बच रही है बस, रोटी खाएंगे, रोटी इनके बर्तन ये होंगे बस। और आप सभी को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी दिनों से आप सभी को दिखाया नहीं, और आप सभी को अब दिखाती हूँ, उसके लिए सॉरी। और ये देखिए, आप सभी को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने घर में ही दुकान डाल रखी है, छोटी सी, इतनी बड़ी भी नहीं है, मतलब छोटी सी डाल रखी है। ये देखिए, सारी चीज़ रखती हूँ वैसे तो मैं, लगभग सारी चीज़ रखती हूँ। ये देखिए, ये बच्चन का आइटम, सारा बच्चन के आइटम रखती हूँ। और परचूने का सारा सामान परचूने का रखती हूँ, लेडीज सामान भी रखती हूँ। इधर इधर लेडीज सामान भी है, ये देखिए सारा सामान रखती हूँ एटी जोर। और ये देखिए, बिस्कुट वगैरह, साबुन, वैसे सारी चीज़ रखती हूँ। ये देखिए, और आप सभी भी आ सकते हैं हमारे दुकान पे, कुछ भी सामान खरीदना हो तो, पास में हो तो आ सकते हैं। और कुछ भी ऐसे छोटा मोटा आइटम ले जा सकते हैं, बड़ा आइटम तो ऐसे कुछ भी नहीं है, पर आ सकते हैं। आपकी जो थोड़ा थोड़ा सब सामान रखती हूँ वैसे तो, और दुकान की वजह से, और मैं प्रिंस ट्यूशन भी जाते हैं, इसलिए हमारे गांव में यज्ञ है, पर यज्ञ देखने भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं प्रिंस का ट्यूशन भी बैठ रहेगा, इसलिए मैं टू मानी जा रही यज्ञ। और आप सभी जा सकते हैं यज्ञ देखने के लिए, हमारे यहाँ 9 दिन का यज्ञ है, 26 तारीख से चालू हुआ है, आप भी जा सकते हैं। और ये देखिए, एली आई, एली आपका क्या नाम है, क्या नाम है, इसका नाम बताएगी, बोलो क्या नाम है आपका, क्या लेगी, क्या लेगी, के क्या लेगी, मम्मी को बुला के ले राजा। और आप भी आ सकते हैं यज्ञ देखने के लिए, मैं भी जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी करीबन 31 तारीख पर से, और 3 तारीख का उसका उद्घाटन है। और बहुत ही अच्छी, दिन में तो यज्ञ होता है, रात में राजलीला रामलीला, इसे बहुत ही अच्छा, मम्मी को बोल रही बहुत ही अच्छा है आजा, पर मैं प्रिंस की वजह से नहीं जा पा रही हूँ मैं। और आप सभी भी आ सकते हैं यज्ञ देखने के लिए। और मणेमा, हमारा गांव मणेमा में यज्ञ, और आप जरूर आ सकते हैं मणेमा में, हमारे बिल्कुल घर के पास में ही हो रहा है यज्ञ, दूर भी नहीं है। और मणेमा को आप लगभग जानते ही होंगे, मणेमा की डोंगरी है, उसके नीचे ही हमारा घर है, और आप आ सकते हैं यज्ञ देखने के लिए। और मैं प्रिंस लग रहे खेलवे को, बिल्कुल खेलवे से फुर्सत नहीं मिले इनको, खेल तो दिन भर खेलते हैं, और बिल्कुल पढ़ाई पे तो बहुत ही टपोरे। मैंने इसलिए तो ट्यूशन बैठा रखे क्योंकि पढ़ाई ये नहीं छोड़े, और बड़ी बढ़िया लग रही रहे टाइम पास के लिए, और हमारा भी टाइम पास हो जाता है बढ़िया इसलिए। और आप जरूर यज्ञ देखने जाना, और हम भी 3 एक को जाएंगे या 31 को जाएंगे, वैसे तो पहले जा नहीं पाएंगे, 11 दिन को, 26 तारीख से चालू हुआ है। हेलो गाइस, तो मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, मैंने आधा सा काट लिया है, आधे की बनाऊंगी, क्योंकि इतनी सी सब्जी खा पाएंगे हम, और इसलिए हम मैं आधे कद्दू की सब्जी बना रहे हैं। और हेलो गाइस, मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, कद्दू मैंने काट लिया है, अब इसमें मैं चीरूंगी, अब से काटूंगी अब, और कद्दू सब्जी बना रहे हैं। अब शाम का वक्त है, शाम का खाने का टाइम हो गया है, और मैं प्रिंस गए स्कूल ट्यूशन, ट्यूशन से अभी आए नहीं है, और उसके बाद में मैं इनको चाय बनाऊंगी, चाय बनाने के बाद में जब सब्जी बनाऊंगी, काट के रख देती हूँ, और जब बनाऊंगी सब्जी। और रोटी तो बहुत ही लेट करते हैं हम, क्योंकि लेट ही खाते हैं, और दोपहर ही में खा लेते हैं, इसलिए और लेट बनाऊंगी रोटी। हेलो गाइस, राम राम। कैसे आप सब? आई हो ठीक होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम बढ़िया वाले। और मैं प्रिंस
देखिए कैसी पढ़ाई छोड़ मेरे बगल में सो रहो और प्रिंस का कर रहो पढ़ रहो वा तो काम कर रहो ट्यूशन के, और ये नहीं पढ़ता बिल्कुल। ये देखिए पैर दान लग रहा मेरे, उसका भी बहुत बुरो है छोरा, यह छोरा बहुत बुरो बस। प्रिंस तो फिर भी कंट्रोल कर रहा पढ़ाई है, मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने कर लिया सारा काम, काम पे से हो गई हूँ फ्री, अब सो रही हूँ। रोटी नहीं बनाई है, पर बाद में बनाऊंगी रोटी, क्योंकि हमने पास्ता बना लिए, पास्ता कर लिया है नाश्ता, और नाश्ता करके हम सो रहे, थोड़ा सा आराम कर रहे जी, के बाद में बनाएंगे हम रोटी। और इनको भूख लगेगी तो पूछूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी नहीं रोटी। हेलो गाइस, हम खा रहे हैं बर्फी। आप सभी आ जाइए बर्फी खाने के लिए। और बर्फी खाने से आई है मेरी भाभी लेके आई है। भाभी गई उसकी बुआ की लड़की की शादी, उसमें गई शादी में, और बेलाई लड्डू और बर्फी, बर्फी बहुत सारी लेके आई हमने खा ली। और आप सभी आ सकते हैं, आप खा लेना लड्डू और मैं खा लूँ बर्फी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है बर्फी। आपको भी अच्छी लगे बर्फी, और हम खा रहे बर्फी। लड्डू नहीं खाऊंगी मैं, लड्डू को अच्छे नहीं लगे, बर्फी बहुत ही अच्छी लगती है। हेलो गाइस, और हम खा रहे बर्फी। आप सभी आ जाइए बर्फी खाने के लिए। और बर्फी खाने से आई है मेरी भाभी लेके आई है, और भाभी गई उसकी बुआ की लड़की शादी में, मान से लेके आई है। और बर्फी लड्डू बहुत सारे लेके आई हमने, कल सुबह से लग रहे हम खाने के लिए। और आप सभी आ जाइए बर्फी खाने के लिए, और लड्डू भी खा लेना बर्फी भी खा लेना। और बर्फी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैं बर्फी बहुत ज्यादा खा ली है। हेलो गाइस, और मैं बना रही हूँ पैरदान। पैरदान के लिए फैर रही हूँ मैं कपड़े कपड़े साड़ी है जो फैर रही हूँ, और इसका बनाएंगे हम पैरदान। और प्रिंस कर रहा है घड़ी, ये मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, मैं तो बिल्कुल हेल्प नहीं करता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। और मैं बना रही, देखिए साड़ी है, नई साड़ी है, वैसे हम काचते नहीं है, और ये मेरी पड़ोसन ने दी है बहुत ही। और ये हम साड़ी का पैरदान बनाएंगे, साड़ी का वैसे बहुत ही अच्छा बनता है, चुन्नियों का साड़ी का। हेलो गाइस, हम ग्राम दांगे हैं, और हम तिरोगे ढाबे के बारे ना के, और हम कुटन से पड़ गए तभी जाएंगे यहाँ पर। बादाम खा ले सर बोल। हेलो गाइस, सरे का